नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। प्रिय व्रत चरित्र भगवान ऋषभ देव जी की कथा, मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा प्रारंभ करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, महाराज प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा थे। इतने तेजस्वी थे कि एक बार बैठे बैठे सोचा, ये रात क्यों हो जाती है, सारा समय लोग इस अंधेरे में सोकर बर्बाद कर देते हैं, इसलिए रात्रि होने ही नहीं दूंगा। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। इन्होंने ज्योतिर्मय रथ का सृजन किया और पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा करके 7 दिन तक रात्रि होने ही नहीं दी। ब्रह्मा जी घबराए और आकर समझाया, बेटा गड़बड़ न करो, प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, सबका अपना अपना उपयोग है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। रात्रि में जहाँ विषयी पुरुष विश्राम करते हैं, वहाँ योगी समाधि लगाकर अपना ध्यान करते हैं। तस्याम जागृति संयमी, प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को अच्छा या बुरा तो हम लोग बनाते हैं। सब्जी में नमक डालना आज भूल गए तो स्वाद बिल्कुल बिगड़ गया, भोजन खराब हो गया, सब लोगों ने टोका, नमक नहीं डाला। अब कल विशेष ध्यान रखा सो इतना ज़्यादा रखा कि नमक 2 बार गिर गया और सब्जी एकदम बिगड़ गई। तीसरे दिन बहुत सजग रहे तो धोखा हो गया, नमक को सब्जी की जगह खीर में डाल दिया और अंत में नमक फेंक कर बोले, नमक बहुत बुरी चीज़ है। अरे नमक बुरी चीज़ नहीं है, हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे और दोष नमक पर दे रहे। ऐसे ही प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, रात्रि की अपनी आवश्यकता है, दिन की अपनी उपयोगिता है, यहाँ तक कि काम क्रोध आदि की उपयोगिता भी है। काम की मात्रा गलत हो जाए तो उसका दुरुपयोग होने लगता है और वह काम निंदनीय है। यदि धर्मानुकूल काम का प्रयोग किया जाए तो वह तो परमात्मा की विभूति है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभौ। गीता में भगवान काम को भी अपनी विभूति बता रहे हैं, पर उसका ठीक से प्रयोग होना चाहिए। प्रियव्रत को जब ब्रह्मा जी ने समझाया तो उनकी समझ में आ गया और दुराग्रह त्याग दिया। फलस्वरूप महाराजा प्रियव्रत के द्वारा पृथ्वी के 7 द्वीप और 7 सागरों की संरचना की गई। अंत में प्रियव्रत को वैराग्य हुआ तो अपने एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का अधिपति बनाकर विरक्त हो गए। सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, जिसके अधिपति बने महाराज आग्निध्र। आग्निध्र के 9 बेटे हुए जिन्होंने पूर्वचित्ती अप्सरा से विवाह किया। इन्होंने जम्बू द्वीप में 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों में बंटवारा कर दिया। सबसे पहला खंड है अजनाब खंड, जिसके अधिपति बने महाराज नाभि। मेरु देवी से विवाह करके जब इनके कोई संतान नहीं हुई तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ से भगवान प्रसन्न हुए और पूछा, बोलो क्या चाहते हो। इतने गदगद हो गए कि कुछ मांग भी नहीं पाए। भगवान ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग बताओ ये क्या चाह रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान अब हम क्या बताएं। किंचायम राजसिर पत्यकामह प्रजाम भवादृशी मासाशान। ये आप जैसी संतान मांग रहे हैं पर कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही। भगवान हंसकर बोले, आप ब्राह्मणों ने वचन देकर यज्ञ किया है तो ब्राह्मणों का वचन निभाने के लिए मैं स्वयं ही बेटा बनने को तैयार हूँ। भगवान स्वयं नाभि पुत्र ऋषभदेव के रूप में प्रकट हुए।
ऋषभ भगवान के तेज ओज से इंद्र को भी स्पृहा होने लगी और इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया, पानी बरसाना बंद कर दिया। तो ऋषभ भगवान ने अपने राज्य में अपने आप ही पानी बरसा दिया। इंद्र लज्जित हुए और अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ भगवान से कर दिया। इंद्र पुत्री जयंती से विवाह करके ऋषभ भगवान ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिनके प्रताप से इस अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष पड़ गया। आसी देनेदम वर्षम भारत मिति व्यपदिन सतनी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ऋषभ भगवान ने एक दिन सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठाकर बड़ा सुंदर उपदेश दिया। उन्होंने कहा, बच्चों, जगत में दो ही आनंद है, एक है विषयानंद और दूसरा है ब्रह्मानंद। विषयानंद आपको हर शरीर में, हर योनि में प्राप्त होगा, पर ब्रह्मानंद प्राप्त करने के लिए केवल मनुष्य शरीर ही चाहिए। नायम देहो देहे भाजाम न लोके कष्टान कामान नरहते बिटभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न तत्सत्वम शुद्धे दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। सब भगवान कहते हैं, बच्चों ध्यान से सुनो, विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित है वह तो पशु हैं, मानव वह है जो ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त करे। मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना हो तो उसकी चाबी है संत, इसके विपरीत यदि नरक मार्ग को प्रशस्त करना हो तो उसकी चाबी है लंपट पुरुष। महत् सेवाम द्वारम माहुर विमुक्तेश तमो द्वारम योषिताम संगी संगम संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। क्योंकि स्त्रैण पुरुष की संगति से विषयानुराग जागता है और भगवत रसिकों की संगति से भगवत प्रेम जागता है। प्रीतर न यावन मई वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। जब तक भगवान वासुदेव में प्रीति तुम्हारी नहीं होगी तब तक ये जन्म मरण का प्रपंच छूटने वाला नहीं है। इसलिए जो तुम्हें मृत्यु भय से मुक्ति दिलाने में सहयोग प्रदान करे तथा भगवान की ओर हमें ले जावे उसी को संबंधी मानो, चाहे वह कोई भी हो। और जो भगवत प्रेम में और हमारी साधना भक्ति में बाधक बनता है वह कितना भी हमारा निकटतम हो उसे बैरी समझना, समझ के त्याग दो। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवम न तत्स्यान् न पतिश्च सस्यान् न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम्। इस प्रकार का दिव्य उपदेश देकर ऋषभ भगवान ने परमहंस वृत्ति को धारण कर लिया, पागलों की तरह जगत में भ्रमण करने लगे। जड़ान्ध मूक बधिर पिशाचून माधववत। कभी अपने को पागल सिद्ध कर रहे हैं, कभी मुंह में पत्थर लिए घूम रहे हैं, नग्नावस्था में विचरण कर रहे हैं, अंत में ये मल मूत्र त्याग कर वहीं पर लेट जाते हैं। तब संसारी लोग इनसे घृणा करते दूर दूर रहने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इनके शरीर में ऐसी दिव्यता आ गई कि पुरीस सुरभि सौगंध वायुस्तम देशम दस योजनम समंता सुरभिम चकारो। इनके देह में इतनी दिव्य सुगंध निकलती है कि 40 कोस तक का वातावरण सुगंधित रहता है। इनमें ऐसी दिव्यता आ गई कि 8 सिद्धियां प्रकट होकर प्रार्थना करने लगी, महाराज हमें चरणों की दासी बना लीजिए, कुछ सेवा दीजिए। परंतु ऋषभ देव ने एक भी सिद्धि को अपने पास नहीं पटकने दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, सिद्धियों के लिए तो लोग पागल बने घूमते हैं, कुछ लोग तो भूत प्रेतों की सिद्धि में ही जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, पर अणिमादी सिद्धियां तो बड़ी दुर्लभ होती हैं, फिर उन सिद्धियों को ठुकरा क्यों दिया? सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन, ना करयात कर ही चित सक्षम मनसी यनवस्थिते। किसी भी महापुरुष को अपने मन पर
कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये मन बड़ा धोखेबाज है। अभी मन में कोई इच्छा नहीं है क्योंकि हमारे पास ही कुछ नहीं है, फक्कड़ है। आज मन कहेगा सिद्धियां हैं, सेवा करना चाहती हैं, स्वीकार करने में क्या हर्ज है, उनका दुरुपयोग नहीं करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। तो पहले तो मन सिद्धियों को स्वीकार करवाएगा, फिर कहेगा अरे बेचारा देखो ये व्यक्ति इतना परेशान है, अपनी सिद्धि का प्रयोग करके उसका कल्याण करो। ये मन बड़ा धोखेबाज है, देखने में क्या बुराई है, देख लो। फिर कहेगा कि पास जाने में क्या बुराई है, फिर कहेगा कि बात करने में क्या बुराई है, फिर कहेगा कि थोड़ा छूने में क्या बुराई है। ऐसे ऐसे कह कह कर तुम्हें गर्त में डाल देता है। इसलिए मन पर कभी विश्वास ना करें। यही शिक्षा देने के लिए ऋषभ भगवान ने सिद्धियों को ठुकरा दिया। सिद्धि आएगी तो मन में प्रसिद्धि की कामना भी आएगी, और जब प्रसिद्धि की कामना से आपने चमत्कार किए और नमस्कार हुई तो जय जयकार होगी। बस तभी अहंकार आपको घेर लेगा। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से छूटी। इसलिए जो सच्चे सत्पुरुष होते हैं वह इन चक्करों में नहीं पड़ते। माँ अपने बच्चे को बार बार देखती है, जो अबोध बच्चा होता है क्या कर रहा है। जब देखती है कि खेल रहा है तो निश्चिंत हो जाती है। कभी बीच बीच में पुकार देती है बेटा आओ बड़ी देर से कुछ खाया नहीं, पर खेल में बच्चा इतना मस्त हो जाता है कि माँ की भी नहीं सुनता। तो माँ कहती है चलो थोड़ी देर और खेलने दो। माँ का वात्सल्य तो पुत्र के लिए तत्पर लेने को, पर बेटा खेलने में मस्त है, सो माँ भी सोच लेती है कि चलो खेल रहा है। पर माँ कभी कभी बहुत व्यस्त रहती है, और उस समय बच्चा जब गोद में आने के लिए माँ को छेड़ता है तो माँ फिर खिलौने देती है, देख बेटा थोड़ी देर खेल ले, मैं थोड़ी ये काम और निपटा लूँ, फिर तुझे संभालूँगी। इसी प्रकार भगवान का स्वभाव है। जीव जहाँ भगवान की ओर अभिमुख हुआ कि भगवान ने ये मान बढ़ाई कि खिलौने उसे थमाए। प्रायः बड़े बड़े महापुरुष इन खेल खिलौनों में ही खेलते रह जाते हैं, इन रिद्धि सिद्धियों के चमत्कार में ही फंसकर रह जाते हैं। परंतु जो इन समस्त प्रलोभनों का परित्याग कर देते हैं वह प्रभु का सामीप्य और अनुग्रह प्राप्त करते हैं। ये शिक्षा देने के लिए ही ऋषभ देव जी ने सिद्धियों को ठुकराया। अंत में ऋषभ देव परम गति को प्राप्त हुए, पर ऋषभ भगवान की इस बाह्य क्रिया का अनुकरण अर्हन नाम के राजा ने किया, और वहीं से जैन मत का शुभारंभ हो गया। ऋषभ नंदन भरत सम्राट बने और इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंपकर भरत जी पुलहाश्रम नेपाल में भजन करने चले गए, पर एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल दे रहे थे कि गर्भवती मृगी पानी पीने पहुंची, और उसी क्षण किसी सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी। तो गर्भवती मृगी ने नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी, और उसी पल उसके गर्भ का बालक पैदा हो गया। मृगी का प्राणांत हो गया। बच्चा पैदा होते ही पानी में गिरा। भरत जी ने यह दृश्य देखकर सोचने लगे, मैंने तुरंत कुछ नहीं किया तो बच्चा मर भी जाएगा। तुरंत छलांग मारी और बच्चे को बचा लिया। जीव मात्र पर दया करो, दया ही धर्म का मूल है, यह ठीक बात है। परंतु कभी कभी सात्विक वृत्तियां भी जीव के बंधन का कारण बन जाती हैं। दया का काम यही पूरा हो गया कि आपने बच्चे को पानी से बाहर निकाल लिया। अब घर ले आए, घर ले आकर दूध पिलाया, कोमल घास तोड़ तोड़ कर खिलाई। अब भरत जी का चित्त उस मृग शावक में चिपकने लगा। वही दया धीरे धीरे मोह में बदलने लगी। कितना प्यारा है, अकेला रहता था, अब इससे थोड़ा मन लग गया। आश्रम में चहल पहल हो गई, मृग उछल कूद करने लगा। भजन करने के स्थान में कभी बैठते हैं तो मृग आकर चाटने लगता है, सूंघने लगता है। डांट देते हैं तो भोला बनकर सामने बैठ जाता है, तो दया आ जाती है। धीरे धीरे मोह प्रबल होता चला गया। अब एक दिन वह आया कि
मृग सजाती मृगों के झुंड के साथ चला गया। अब भरत जी ने चारों तरफ खूब ढूंढा, कहीं नहीं मिला। उसके प्रेम में इतने पागल हो गई कि सूर्य भगवान से पूछ रहे हैं, चंद्रदेव से पूछ रहे हैं, प्रेम दीवाने भरत जी उसी के प्रेम में शरीर त्याग बैठे। अंते या मति सागति, चिंतन मृग का हुआ तो अगले जन्म में मृग योनि प्राप्त हो गई। एक मृगा के संगते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। परंतु कोई भी किया हुआ शुभ कर्म कभी बेकार नहीं जाता। तप का फल था कि मृग योनि में पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, जिसके कारण मृग देह में भी धीरे धीरे प्रारब्ध भोग समझकर अंत में त्याग दिया। कालांतर में तीसरा जन्म एक अंगिरा गोत्री ब्राह्मण परिवार में हुआ। 9 भाई थे, सब पढ़ लिख कर वेद पाठी विद्वान बन गए, पर पिताजी इन्हें पढ़ा पढ़ाकर परेशान हो गए। वेद मंत्र तो याद करना दूर, कभी गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया। पिताजी ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत, अर्थात मूर्ख। भरत जी भी यही चाहते थे कि पागलपन ही की मोहर लग जाए तो दुनियादारी से बच जाए। संसार से बचने का एक ही उपाय है कि पागल हो जाओ। और दुनिया के मतलब के जब नहीं रहोगे तो दुनिया अपने आप ही छोड़ देगी। स्वार्थी दुनिया बड़ी विचित्र है। एक बार एक बालक घर छोड़कर एक महात्मा की शरण में पहुंच गया। घर वालों को पता चला कि हमारा बेटा अमुक जगह बाबा बना बैठा है, तो सब पहुंच गए। महात्मा जी से बोले, महाराज हमारा बच्चा है, 4 भाइयों में सबसे छोटा यही है, कृपा करो इसे हमारे घर लौटा दो। गुरुजी ने चेला को बुलाया, बेटा तेरे परिवार वाले इतना प्रेम कर रहे हैं तुझसे, तू घर चला जा। चेला बोला, नहीं गुरुजी हमें ना छोड़ो, हम तो आपकी शरण में आ गए। गुरुजी ने कहा, तुझे भजन ही तो करना है, मंत्र दे दिया, वेश दे दिया, अब तू घर में ही जाकर भजन कर लेना। चेला बोला, जो आज्ञा गुरुदेव। बेचारा घर चला गया। घर वाले बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारा बेटा लौटकर आ गया। अब घर में आकर उन्होंने नियम शुरू किया, वही 4 बजे जागना, नहा धोकर भजन में बैठ जाना, 12 बजे तक जप करना, और फिर भोजन का समय हो गया सो पा लिया, पाकर फिर थोड़ी देर आराम करके फिर भजन में बैठ गए। 2-4 दिन तक कोई कुछ नहीं बोला। जब महीना भर होने को आ गया तो भैया बोले, हम तुझे इसलिए लाए थे क्या, खेतों पर काम चल रहा है, सब इतने व्यस्त हैं और तू जब देखो तब माला ही जापता रहता है। भैया बोला, सुनो रखना हो तो रखो, मैं भजन करने के लिए महात्मा बना था, सो चाहे यहाँ करूँ अथवा चाहे वहाँ करूँ, चाहे तो रखो नहीं तो मैं अपने आश्रम में चला। घर वाले बोले, अच्छा ठीक है, तुझे भजन ही करना है तो जा बाबा के पास, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। जब बोझ लगने लगा तो अपने आप ही भगा दिया। तो जड़ भरत को भी लगा कि दुनिया के मतलब के रहेंगे तो दुनिया पीछे पड़ेगी। बचपन से ही अपने को पागल सिद्ध कर दिया। अद्भुत ज्ञान होने के बाद भी पागलों जैसा व्यवहार जानबूझकर करते हैं। नाम ही जड़ भरत पड़ गया। अब विवाह कौन करता। जब माता पिता पधार गए तो भैया तो पागल समझकर कुछ नहीं बोले, पर भाभियों को बड़ी जलन होने लगी। भाइयों ने यह समझकर कि यह तो बिल्कुल पागल है, इनकी कुटिया खेतों पर बना दी, वहीं रहने लगे। भरत जी को लगा कि भगवान की बड़ी कृपा हुई जो प्रपंच से दूर कर दिया, और यहाँ पर देह यात्रा के लिए भोजन तो मिल ही जाता है। एक दिन एक डकैतों के सरदार ने मैया भद्रकाली से कहा, हे मातेश्वरी मुझे एक बेटा दे दो, मैं नरबलि चढ़ाऊंगा। अब उसके बेटा हो गया। सरदार खुश होकर बोला, किसी को पकड़ कर लाओ। डकैतों को और तो कोई नहीं मिला, खेतों पर पड़े महाराज जड़ भरत जी मिल गए, सो पकड़ कर ले आए। इन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया, उन्हीं के साथ चल पड़े। डकैत लोग भद्रकाली के मंदिर में ले गए। पहले तो खूब बढ़िया स्नान कराया, बढ़िया वस्त्र धारण कराए, विविध प्रकार का भोजन कराया। मंदिर में ले जाकर बोले, बाबा दंडवत करो, और जो दंडवत करने लगे तभी डकैत ने तलवार निकाली। जड़ भरत जी बोले,
ये क्यों दिखा रहे हो भैया? सरदार बोला, मालपुआ मुफ्त के नहीं थे महाराज। अभी तक जैसे आपने वह सब आनंद से स्वीकार किया, अब ये भी स्वीकार करो। जड़ भरत जी बोले, हे भगवान, ये दुनिया तो बड़ी विचित्र है, चलो जैसी भगवान की इच्छा। जड़ भरत जी ब्रह्मज्ञानी हैं, और जो सच्चे ब्रह्मज्ञानी होते हैं उनके लिए तो शरीर एक पंचायती धर्मशाला है। जीवन मुक्तों का शरीर तो प्रारब्ध के अनुसार चलता है। वह तो भद्रकाली के चरणों में सिर झुकाकर बैठ गए। कोई भय नहीं, कोई आतंक नहीं। भद्रकाली ने देखा ब्रह्मज्ञानी चरणों में सिर झुकाए बैठा है, और ये अज्ञानी लोग इस ब्रह्मज्ञानी का बलिदान करने जा रहे हैं। सरदार ने जो तलवार का प्रहार करना चाहा कि भद्रकाली प्रकट हो गई, तलवार को छीन लिया और जितने डकैत खड़े थे सबकी गर्दन को काट दिया। जड़ भरत जी ने जब दृष्टि उठाकर देखा तो मंदिर का सारा दृश्य बदल गया। समझ गए कि मातेश्वरी ने हमें काल के गाल से निकाल लिया, अब स्वतंत्रता से विचरण करने लगे, घर लौट कर नहीं गए। पर एक दिन सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण सत्संग करने के लिए पालकी में बैठकर कपिल भगवान के आश्रम की ओर जा रहा था। अचानक एक कहार बीमार हो गया। कहारों ने निवेदन किया, सरकार, एक साथी अचानक बीमार पड़ गया, अब क्या करें? राजा ने कहा, जो मिल जाए उसे पकड़कर लगाओ। कोई और तो मिला नहीं, सामने जड़ भरत आ गए। जड़ भरत जी को देखकर कहारों ने समझा कि मोटा ताजा व्यक्ति है, बढ़िया भार ढोएगा, इसी को पकड़ो। उन्होंने बुलाया कि ए बाबा, इधर आओ, सिंधु सौबीर देश के राजा विराजमान है, महाराज की पालकी में लग जाओ। ठीक है, धर दो कंधे पर। सो बीमार को हटा के महाराज को लगा दिया। अब कहारों की चलने की गति तो बड़ी तीव्र होती है, और महाराज जी जीवन में पहली बार पालकी में लगे, वह अपनी मस्ती में चल रहे थे। महापुरुष तो नीचे दृष्टि डालकर ही चरण रखते हैं ताकि कोई चीटी मरने न पावे। अब कहार खूब जल्दी चलने का प्रयास करें, पर ये टस से मस नहीं, जैसे चलना है वैसे ही चलें। कि अचानक पैर के नीचे चीटा दिख गया तो उसे बचाने के लिए छलांग लगा दी। अब पालकी में लगा व्यक्ति छलांग मारे तो पालकी का क्या हाल होगा? पालकी डगमगाई और महाराज की खोपड़ी ऊपर लगी। राजा लाल पीले हो गए। उन्होंने कहा, अरे भारवाहक, ठीक से पालकी चलाना नहीं आता, मर मर कर चल रहे फिर भी सिर फोड़ रहे हो। अब कहारों ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, इस रंगरूट को अभी जो लगाया है ये बिल्कुल मर मर कर चल रहा है, जैसे इसने भोजन ही ना किया हो, और इसके चक्कर में आप हम पर नाराज ना होएं, आप इसी को समझाएं। राजा ने नीचे झुककर देखा तो जड़ भरत जी का हृष्ट पुष्ट सही दिखाई पड़ा, तो राजा व्यंग के बाण चलाने लगे। ओहो, देखो बेचारा कितना पतला दुबला डेढ़ हड्डी का आदमी है, इसके कंधों पर इतना बोझा तुमने मेरी पालकी का लाद रखा। तुम लोग अभी अभी लगे हो, ये बेचारा कब से पालकी ढो रहा है, इसलिए बेचारे को बड़ा भारी कष्ट है। जड़भरत जी सब समझ रहे हैं, फिर भी चुपचाप चले जा रहे हैं। फिर कोई चीटा चीटी नजर आई तो फिर उछल पड़े। अब तो राजा का क्रोध ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने कहा, ये मतवाले, तू जानबूझकर नाटक इसलिए कर रहा है ताकि तुझे मैं भार मुक्त कर दूं। बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं, दंड वह दंड दूंगा जैसे यमराज पापियों को शुद्ध करते हैं। अब जड़ भरत जी को लगा कि यदि अब मैं नहीं बोला तो ये ऐसे ही बोलता रहेगा, बोलने से मुझ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, परंतु मेरा अपमान करने से ये जरूर नरक में गिरेगा। तो आज जीवन में पहली बार जड़ भरत बोले, और ऐसा बोले कि रहुगण का कल्याण ही कर दिया। एक तो संत जल्दी से बोलते नहीं, और संत की कृपामयी वाणी जब प्रकट होती है तो निश्चित ही जीव का कल्याण कर देती है। आज ही क्यों बोले? क्योंकि संत तब बोलते हैं जब उन्हें कोई पात्र दिखाई पड़ता है। जड़ भरत जी समझ गए कि रहुगण पात्र है, संतों में श्रद्धा भी रखता है और सत्संग में भी जाता है, थोड़ी सी कसर है, ये रजोगुणी है, राजा है तो राजसी अभिमान है, यदि इसका ये राजसी अहंकार निकल जाए तो ये योग्य पात्र है, और मेरा अपमान करता रहेगा तो ये नरक में गिरेगा, और ये नरक में गिरेगा तो
तो संतों की बदनामी होगी। संतों में नित्य श्रद्धा रखने वाला, सत्संग सुनने वाला भी नरक में गया, इसलिए बोलना पड़ गया। इसलिए भी बोले कि जाने अनजाने में ही सही, आखिर इसका भार तो मेरे कंधे पर है। और संत जिसका भार अपने कंधे पर ले ले, फिर तो उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। इसलिए जड़भरत जी बोले, तयोदितं व्यक्तमभिप्रलब्धं भर्तुः समे स्याद्यदि वीरभार कंतुर यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदां प्रवादः। अरे राजन, तुम किसे दंड देने की बात कर रहे हो? तुम मुझे क्या दंड दोगे? क्योंकि ना तो मैं पतला हूँ, ना मैं मोटा हूँ, ना मैं पैदा होता हूँ, ना मैं मरता हूँ। मैं मोटा होना, ये मोटा होना, पतला होना, पैदा होना और मरना, ये सब देह के धर्म। मुझ आत्मा में ये कोई भी द्वंद्व घटित नहीं है। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। जो शरीर क्रियाएं हैं वह देह में होती हैं, आत्मा में थोड़ी ही होती हैं। जड़ भरत जी के वचनों से रहुगण आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा, जिसे मैं पागल समझकर ऊटपटांग बातें कर रहा था, ये तो कोई सिद्ध महात्मा लग रहा है। इसकी वाणी में तो वेदांत की भाषा झलक रही है। पुनः गौर से जब देखा तो जड़ भरत जी के कंधे पर मोटा सा यज्ञोपवीत दिखाई पड़ गया। जो यज्ञोपवीत देखा, तुरंत पालकी से नीचे कूद पड़े रहुगण और सीधे जड़ भरत के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। तस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां विभर्षि सूत्रं कतमोऽवधूतः। रहुगण ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? आप अपने आप को इतना गुप्त रूप से छिपाकर विचरण कर रहे हैं, मैं तो आपको पहचानता नहीं। आपका ये गोपी बता रहा है कि आप सच्चे कोई ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण हैं। मैं संसार में किसी से नहीं डरता, पर यदि डर लगता है तो केवल ब्राह्मण के क्रोध का। नाहं विशंके सुरराज वज्रान् न त्रयस्य शूलान् न यमस्य दण्डात् नाग्न्यर्क सोमा निलवेत पात्राच्छंके भ्रसं ब्रह्म कुला वमानात् इंद्र कुलिशमं शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला जो इन कर मारा नहीं मरई विप्रदोह पावक सो जरई। महाराज, मुझे ब्राह्मण कुल के अपमान का डर लगता है, क्योंकि ब्राह्मण यदि कुपित हो जाए तो वह केवल उस व्यक्ति को ही नहीं वरन उसके पूरे वंश का विनाश कर देता है। इसलिए महाराज आप कौन हैं? जड़भरत जी मुस्कुरा पड़े, बोले, राजन हैं तो हम भी ब्राह्मण, पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं। कोई डरने की आवश्यकता नहीं, जो कुछ कहना है निर्भीक होकर कहिए। रहुगण ने कहा, महाराज बस मेरे मन में आपके शब्दों के प्रति एक जिज्ञासा है। आपने अभी अभी कहा कि ना मैं मोटा हूँ, ना पतला हूँ, ना छोटा हूँ, ना बड़ा हूँ, ना मरता हूँ, ना जन्म लेता हूँ। ये सब ठीक है, पर आपने कहा कि मुझे सुख दुख आदि द्वंद प्रभावित नहीं करता, ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई। देखिए महाराज, किसी ने चूल्हा जलाकर उस पर बटलोई रखी, बटलोई में पानी भरकर चावल डाल दिए, तो अग्नि का ताप बटलोई को गर्म करेगा, फिर बटलोई का ताप पानी को गर्म करेगा, और फिर पानी का ताप चावल को भात बना देगा। इसी प्रकार शरीर में पीड़ा होगी तो इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को भी कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा तो शरीर में स्थित क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? फिर आपने ये कैसे कह दिया कि मुझ आत्मा को कोई सुख दुख प्रभावित नहीं करता, कोई द्वंद्व प्रभावित नहीं करता? स्थाल्यग्नितापात पायसो भितापस तत्तापतस तंडुल गर्भरंधि देहेन्द्रियस्वा सयसन्निकर्षात् तत्संसतिः पुरुषस्यानुरोधात्। लौकिक दृष्टांत देकर जब अपनी बात रहुगण ने रखी तो जड़ भरत जी खूब हंसते हुए बोले, राजन हो तो तुम महामूर्ख, पर विद्वानों के संग में बैठकर आत्मा की बातें करना सीख लिया, आत्म तत्व को जानते कुछ भी नहीं। अको विदह को विद वाद वादान
मूर्ख होकर ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हो। अरे राजन, जो तुमने दृष्टांत दिए वह सावयव पदार्थों के दृष्टांत, जल है, बटलोई है, चावल है, आग है, ये सब सावयव है, इन्हें देखा जा सकता है, इन्हें छुआ जा सकता है। पर जिस आत्मा के साथ तुम घटा रहे हो उस आत्मा को देखा है तुमने? आत्मा को कोई छू सकता है? आत्मा का कोई रूप बता सकता है कि वह काली, पीली, गोरी, भूरी, मोटी, पतली कैसी है आत्मा? आत्मा का स्वरूप आकाशवत है, जो निरवयव है। जो भी शून्य दिखाई पड़ रहा है ये सब आकाश है। अब कोई कहे कि मैंने आकाश को मुट्ठी में कैद कर लिया, तो क्या आकाश मुट्ठी में कैद हो सकता है? कोई चाहे कि मैंने तलवार से आकाश के दो टुकड़े कर दिए, तो क्या आकाश तलवार से दो टुकड़े में कट सकता है? कोई आग से आकाश को जला सकता है? कोई पानी फेंककर आकाश को गीला कर सकता है? जैसे आकाश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसे ही आत्मा जो है वह आकाश की भांति निरवयव तत्व है, इसलिए उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः। तब राजा ने प्रश्न किया, तो ये सुख दुख का भोक्ता कौन है? जड़ भरत जी बोले, भाई ये जो मन है ये सुख दुख के मूल कारण है। मन की अनुकूलता में सुख, मन की प्रतिकूलता में दुख की प्रतीति होती है। जिससे हम अतिशय प्रेम करते हों वह रात के 12 बजे भी हमारे घर आ जाए तो बढ़िया मालपुआ बनाकर खिलाएंगे, वह जो चाहेगा सो खिलाएंगे, और जिससे देना लेना नहीं, मन से जिसका कोई संबंध नहीं, उसके लिए भोजन कराना तो दूर, यदि भीतर जाकर पानी भी लाकर पिलाना पड़े तो विक्षेप हो जाता है। स्फटिक मणि में तो कोई रंग नहीं है, पर लाल पुष्प के पास रख दो तो वह लाल दिखने लगता है, श्वेत पुष्प के पास रख दो तो वह श्वेत दिखने लगता है। ये सब पुष्पों के रंग मणि में आपको प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसे ही ये द्वंद्व जो मन के हैं उसे हम आत्मा के ऊपर अध्यारोपित कर रहे हैं। इस प्रकार से राजा रहुगण को श्री जड़ भरत जी ने आत्म तत्व का उपदेश दिया और अंत में भवाटवी का बड़ा अद्भुत वर्णन किया। यह संसार एक बड़ा भयंकर बीहड़ जंगल है और इस जंगल से कोई सद्गुरु ही हमें बाहर निकाल सकता है, जिसे गली गली का ज्ञान हो। राजा रहुगण का कल्याण हो गया। चरणों में गिरकर बोले, महाराज आपके वचन सचमुच अमृत औषधि हैं। जड़ भरत जी बोले, राजन तपस्या चाहे जितनी कर लो, चाहे जितने बड़े बड़े यज्ञ कर लो, चाहे जितना सत्संग सुन लो, पर जब तक इन महापुरुषों की चरण रज में अभिषेक नहीं करोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं। रहुगणई तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाद ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महात्पाद रजोभिषेकम्। इसलिए संतों की चरण रज में स्नान करो। अरे तुम तो सिंधु सौबीर देश के राजा हो, मैं तो पूर्व में चक्रवर्ती सम्राट रह चुका हूँ, समस्त भूमंडल का राजा बन चुका हूँ, इसलिए राजन ये सब अनित्य संबंध है। यदि अपना वास्तविक कल्याण चाहो तो ये सारा अहंकार त्याग कर संतों के चरणों में प्रणाम करना सीखो। पानी खूब बरस रहा है, पर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उन पर बरसता तो है पर टिकता नहीं। पानी टिकता वहाँ है जहाँ गहराई होती है, वहीं पर पानी ठहरता है। उसी प्रकार सत्संग और संतों की कृपा, जिनके पास नम्रता का पात्र है, वे सत्संग का जल उन्हीं के हृदय में ठहरता है। इस प्रकार जड़ भरत जी महाराज ने राजा रहुगण का सारा अहंकार तोड़ दिया, उसका कल्याण कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इसी प्रियव्रत वंश के अंतिम राजा महाराज विरज हुए। जिस प्रकार समस्त देवताओं की शोभा भगवान विष्णु की आभा प्रभा से है, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश में उत्पन्न राजा विरज ने अपने सुयश से इस वंश को विभूषित किया। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज अब जरा हमें भूगोल खगोल के बारे में बताइए। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन इस भूमंडल पर जम्बूद्वीप आदि 7 द्वीप हैं,
जो एक एक सागर से समावृत है। जम्बू द्वीप के कमल कर्णिका की भांति नौ खंड हैं। इलावृत, किमपुरुष, रम्य, हरिनवन, केतुमाल, समावृत, हरिवर्ष, उत्तर कुरु, भद्रासु तथा अजनाब नामक इन नौ खंडों में भगवान का नित्य निवास है। अजनाब खंड ही श्री भारतवर्ष है। इस भारत भूमि में भगवान नर नारायण के रूप में बद्री विशाल में विराजमान है और देवर्षि नारद के साथ समस्त भारतीय उनकी आराधना करते हैं। भारत भूमि ही कर्म भूमि है, अन्य सब भोग भूमि है। इसलिए धर्म की स्थापना हेतु भगवान के जितने अवतार हुए सब भारत भूमि में हुए। ये पूरा शरीर हमारा है, पर यह शरीर के किसी कारणवश पांव काटना पड़े तो हम पांव काटकर बिना पांव के जीवन चला लेंगे। हाथ काटना पड़े तो काट देंगे, हमारा जीवन चल जाएगा। पर यदि पूरा शरीर स्वस्थ व सुरक्षित हो लेकिन हृदय की धड़कन यदि समाप्त हो गई हो तो शरीर व्यर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार समस्त विश्व परमात्मा का विराट वपु है, परंतु भारत भूमि भगवान का हृदय स्थल है। और इस भारत भूमि में धर्म की धड़कन जब तक चल रही है तब तक विश्व में धर्म का साम्राज्य है। और भारत भूमि के हृदय स्थल में से यदि धर्म की धड़कन रुक गई तो सारे विश्व में धर्म की हानि हो जाएगी। इसलिए भगवान के जितने भी अवतार हुए धर्म की स्थापना के लिए भारत भूमि में ही भगवान पधारे। बड़े बड़े देवता इसलिए भारत भूमि में जन्म लेने को तरसते हैं। अहो अमीशाम किम कारि शोभनम प्रसन्न एशाम स्विदुत स्वरम हरि यैर्जन्म लब्धम न सुभारता जिरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पाहिनः। स्वर्ग के देवता जब भारतीयों को भगवान की सेवा में रत देखते हैं तो उनके मन में जलन होती है। ये मानव तो जो आज तक हमारी पूजा कर रहे थे यदि इसी प्रकार से परब्रह्म की आराधना करते रहे तो कल इसकी पूजा हमें करनी पड़ेगी। यदि कोई आपका ही कर्मचारी आपका अधिकारी बनकर आ जाए तो क्या आपको जलन नहीं होगी? इसी प्रकार मानवों को ही प्रभु के द्वारा ये आरक्षण प्राप्त है कि इस कर्म भूमि में जैसा कर्म करोगे उसी के अनुरूप आपको फल मिलेगा। पर देवताओं को कर्म भूमि नहीं है, वह भोग भूमि है। जिसने अभी तक जितने पुण्य किए हैं उन पुण्यों का फल भोगो, उसके बाद लौट आओ। तो मानव जब शुभ कर्मों में प्रवृत्त होता है तो देवताओं को डर लगने लगता है कि यदि ये ऐसे ही करते रहे तो कल इसकी पूजा हमें करनी पड़ेगी। इसलिए उन्हें स्पृहा होती है। जो आनंद धरा पर है वह स्वर्ग में नहीं। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतास्त दाशयाः। जहाँ पर ना तो भगवान के भक्तों का दर्शन है, जहाँ पर ना यज्ञों का स्वाहा सुधा कर सुनाई पड़ते हैं, ऐसे स्वर्ग में हम जाकर क्या करेंगे? ये सारे आनंद इसी धरती पर हैं। आज जन्माष्टमी का उत्सव मन रहा है, आज रामनवमी का उत्सव मन रहा है, आज विवाह पंचमी का उत्सव है, आज झूला महोत्सव मन रहा है, आज भगवान की रंगपंचमी का उत्सव मन रहा है। नित्य आए दिन कोई न कोई उत्सव भक्तों के बीच मनाते रहते हैं। ये आनंद तो बैकुंठ में भी नहीं। बैकुंठ में भगवान को दर्शन तो मिल जाएंगे पर भगवान का जन्मोत्सव वहाँ पर थोड़े ही मिलेगा, वहाँ तो जन्म होता ही नहीं। इसलिए बड़े बड़े रसिक संत इस आनंद के लिए मोक्ष अपवर्ग सुख को भी तिलांजलि दे देते हैं। अब अन्य लोकों का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल आदि सात लोक पृथ्वी से नीचे हैं। इसके विपरीत भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्य आदि सात लोक ऊपर हैं। नीचे से ऊपर तक इस संपूर्ण ब्रह्मांड की दूरी 50 करोड़ योजन की है। परीक्षित के प्रश्न करने पर फिर आगे नरक का वर्णन विस्तार से कहते हैं। पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमराज की संयमनीपुरी है। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव,
कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपयवन, सूकरामुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदर्श, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक, सालमली, बैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीची, अयहपान, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंदसूक और सूचीमुख आदि आदि प्रधान रूप से 28 नरकों का वर्णन किया। तो किस पापकर्म से किस नरक में कौन सी यातना जीव को भोगनी पड़ती है उसका भी एक एक करके बहुत विस्तार से वर्णन किया। तत्र यस्तु परिवित्ता पत्यकल्त्राण पहरति साहि कालपाशबद्धो यम पुरुष यम पुरुषैरति भाय भयान कैस्ता मिश्रे नरके बलन्ने पाप्यते। जो प्राणी पर संपदा का हरण कर लेता है, पर स्त्री का हरण कर लेता है, बच्चों का हरण कर लेता है, यमदूत उसे तामिश नरक में ले जाकर पटक देते हैं। इस नरक की भूमि ताम्र के समान आग में तपी हुई लाल रहती है। उस अग्नि संतप्त भूमि पर जीव भयंकर कष्ट पाता है। जो जीवों को काटकर उनका मांस भक्षण करते हैं उन्हें कुंभीपाक नामक नरक में खोलते हुए तेल की कड़ाही में झोंक दिया जाता है। जो घर में आए हुए अतिथियों को क्रोध की निगाह से देखता है वह वज्रतुंड नरक में जाकर पड़ता है तथा उस जीव की आँखों को गीध निकालकर खा जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।